आपके पास भी एक आलू वाला पीसी है? बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। लिए कुछ ऐसे पांच गेम लेके आऊं जो कि आपके इस आलू वाले पीसी में चलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका साइज 500 MB के अंदर है। अरे भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे डाउनलोड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल के जो हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है हिटमैन ब्लड मनी। एंड वेल गाइस, हिटमैन ब्लड मनी आपका एक्शन एडवेंचर शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया आयो इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एडोस इंटरैक्टिव के द्वारा। बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया मई 2006 को, एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे विंडोज प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स, इनफैक्ट एक्सबॉक्स 360 में काफ़ी आसानी तरीके से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, मल्टीप्लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें तो भैया आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो जिसका नाम एजेंट 47 रहता है। तब आप बोल सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भैया आपको इस दिन इस आदमी को किल कर। उनका जो स्टोरी लाइन मिशन है वो काफी ओपी है, एंड इस गेम का जो एनवायरमेंट आपको देखने को मिलता है वो भी ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप अलग अलग सिटी पर ट्रैवल करोगे, काफ़ी ओपी गेम है दोस्तों। एंड इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 64 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी पुराने प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा बिना किसी परेशानी के। गेम की साइज की बात करें 8 MB में आराम से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस गेम का इंस्टॉलेशन लिंक मिल जाएगा, तो वहां से कूद फान के मेरे वेबसाइट से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, पढ़ते हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्पाइडरमैन 2। एंड वेल गाइस, स्पाइडरमैन 2 एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जो कि टोटली स्पाइडरमैन 2 फिल्म के ऊपर बेस्ड है। जो आप फिल्म में आपने देखा होगा सिंपली आप यहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बाय प्लेइंग स्पाइडरमैन 2। तो वेल गाइस, काफी इमोशनल गेम है यार, तो आप इस गेम को ज़रूर से खेलना। इस गेम को पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा, एंड ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे पीसी प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स इसमें आराम से खेल सकते। इस गेम को रिलीज किया गया था जुलाई 2, 2004 को। एंड इस गेम की मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर देखने को मिल जाता है। एंड गेम की बात करें तो भैया गेम काफ़ी ओपी है, इस गेम को आपको ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। इस गेम में आप स्पाइडरमैन का किरदार निभाते हो, जो आपका सिटी रहता है आपको उससे प्रोटेक्ट करना रहता है, क्योंकि आए दिन स्पाइडरमैन के सिटी में काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, खतरनाक इंसिडेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे उसके दुश्मन आते हैं जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो काफ़ी ओपी गेम है, तो बेसिकली इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है ये काफ़ी ओपी है, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। गेम जो गेम का मैप मिलता है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। तो ये रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा, और इस गेम का साइज है दोस्तों वो 450 MB है। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो भैया लिंक है वेबसाइट में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। राइट, तो वेल गाइस, जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है टोक्यो वॉरफेयर। एंड वेल गाइस, टोक्यो वॉरफेयर आपका एक एक्शन एडवेंचर शूटिंग वीडियो गेम है। इस गेम को रिलीज किया गया था 29 जुलाई 2016 को, एंड इस गेम को डेवलप किया गया पाब्लो वेदार्शन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। बेसिकली मोड की बात करें तो भैया इस गेम में आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। बात करें तो बेसिकली इस गेम में आपको टोक्यो सिटी का पूरा मैप देखने को मिल जाता है, आप टोक्यो सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टैंक बैटल देखने का मौका मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको टैंक बैटल करना पड़ता है, मतलब अपने टैंक से दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय करना रहता है। तो काफ़ी ओपी गेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है भाई उसका क्या कहना। इस गेम में आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के टैंक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इस बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें
तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा और साइज है वो ऑलमोस्ट 417 MB है। तो अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया लिंक है वेबसाइट का, जाके वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। तो वेल गाइस जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA Vice City। एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, बॉक्स, iOS, एंड्रॉइड में काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर देखने को मिल जाता है। इस गेम को रिलीज किया गया 29 अक्टूबर 2002 को। गेम की बात करें तो भैया गेम का डेफिनेशन देने का मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है, आपने इस गेम को कभी ना कभी एक बार तो जरूर खेला हो। गेम की बात करें तो भैया गेम काफी ओपी है। यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। इस गेम में आपको जो स्टोरी लाइन मिशन देखने को मिलता है वो काफी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी का क्या कहना, अगर आपके पास एक पटेटो से पटेटो पीसी लैपटॉप है तो ये गेम आपके आपके पीसी लैपटॉप पे काफी आसानी तरीके से चल जाएगा। तो भले इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम की साइज की बात करें तो मात्र 400 MB गेम का साइज यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आयरन मैन। आयरन मैन एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया सेगा के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये आपके ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स एंड अपने प्लेस्टेशन 3, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से इसे आप खेल सकते हो। इस गेम को दोस्तों रिलीज किया गया था 2008 को। बेसिकली इस गेम में मोड की बात करें तो भैया अभी तक ये सिंगल प्लेयर ही आता है। एंड गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप आयरन मैन, अगर आपने फिल्म देखा होगा आयरन मैन फिल्म, तो पूरा स्टोरी लाइन सेम टू सेम जैसे फिल्म में हमें दिखाया गया था पूरा इस गेम में पूरा चेप दिया गया है। यहाँ पर आप एक आयरन मैन का किरदार निभाते हो जो कि हम सभी जानते हैं जिसका नाम टोनी स्टार्क रहता है, तो क्यों बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है कि इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलेगा। इस गेम का जो मैप है काफी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गेम की साइज की बात करें तो भैया गेम मात्र 200 MB का है। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 2 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना, इंस्टॉल करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। 5 गेम थे आपके लो एंड पीसी लैपटॉप पे और वो 500 MB के अंदर आते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिनके पास लो एंड पीसी लैपटॉप है। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।